बैंबू से बनने वाले बॉक्सेस, कुर्सी, चायदानी, टोकरियां और ट्रे जैसी चीजें खूब लोकप्रिय हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के अनेक क्षेत्रों में बांस से अनेक सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बांस के कुशल कारीगर, कुशल कलाकार हैं। जब से देश ने बैंबू से जुड़े अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला है, इसका एक बड़ा बाजार तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के पालघर जैसे क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज के लोग बैंबू से कई खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बैंबू से बनने वाले बॉक्सेस, कुर्सी, चायदानी, टोकरियां और ट्रे जैसी चीजें खूब लोकप्रिय हो रही है। यही नहीं, ये लोग बैंबू घास से खूबसूरत कपड़े और सजावट की चीजें भी बनाते हैं। इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और उनके हुनर को पहचान भी मिल रही है। साथियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही हैं। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है, जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।